आईपीसी पे आ जाओ। हाँ आईपीसी पे आ जाओ, 378। तो 378 में क्या दिया हुआ है? 378 में ये दिया हुआ है कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट। तो देयर आर फाइव इंग्रेडिएंट्स, पांच बातें हैं। पहली बात तो जिस चीज की, जो चोरी की चीज है वो क्या है, मूवेबल होनी चाहिए। जैसे कोई एक कहे ना, एक शब्द में चोरी का मतलब क्या है, हटाना। चोरी का मतलब क्या है, हटाना, क्योंकि ले जाना नहीं है, ये चीज हट गई है तो भी चोरी हो जाएगी। तो पहली तो चीज है मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो चीज मूवेबल नहीं है उसकी चोरी नहीं होती है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पजेशन, कोई इन हुज पजेशन प्रॉपर्टी इज, प्रॉपर्टी किसके पजेशन में है। कोई आदमी अपनी ही चीज की चोरी कर सकता है, तो पजेशन से चोरी होती है, पजेशन से हटाना होता है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, पजेशन से हटाना होता है। पजेशन किसका है इस पर डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है ना, एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, एक घड़ी है, घड़ी आप घड़ी सही कराने के देने जाते हैं और वहीं से उस घड़ी को देखा वो आदमी नहीं है, अब आपको पैसे नहीं देने, घड़ी वहां से उठा लाए, तो भी ये चोरी है। तो पहला मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दूसरा पजेशन, और तीसरा पार्ट है डिसऑनेस्टी। क्या है डिसऑनेस्टी होनी चाहिए, डिसऑनेस्टी का मतलब क्या है, डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन दे रखी है इसमें। तो डिसऑनेस्टी का मतलब ही ये है कि समवन इज टेकिंग अनलॉफुल गेन, और दूसरा अनलॉफुल लॉस बियर कर रहा है, वो डिसऑनेस्टी है। कभी कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि जिसमें दूसरे को किसी भी प्रकार का, मतलब आपको कोई लाभ ना हो, जैसे यहां से चश्मे को उठाया और पानी में फेंक दिया, तो ये क्या डिसऑनेस्टी है क्या? देखो अपराध क्या हो गया, एक डिफरेंट है, आपने इसे उठाया मैं उधर गया लेकिन जमीन फेंक भी दिया, तो क्या ये डिसऑनेस्टी में आता है? आपको कोई लाभ नहीं हुआ लेकिन मुझे हानि हो गई, तो जिसने लॉस बियर किया, तो ये भी डिसऑनेस्टी ही है। अनलॉफुल गेन और ऐसा लॉस जिसे उठाने के लिए ही वॉज नॉट बाउंड, तो डिसऑनेस्टी होनी चाहिए। कितने इंग्रेडिएंट हो गए, मूवेबल प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टी, पजेशन, है ना। अब बात आती है कि ले लेने का आशय, इंटेंशन। इंटेंशन भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटेंशन। अब इसमें क्या इंग्रेडिएंट रह गया, नहीं इसमें कंसेंट, सम्मति के बिना, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन हुज पजेशन प्रॉपर्टी इज, इन हुज पजेशन प्रॉपर्टी इज, तो उसकी सम्मति के बिना, विदाउट हिज कंसेंट। तो ये कितने हो गए, फाइव इंग्रेडिएंट्स। अब देखो इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, उनको थोड़ा सा चोरी के संबंध में, वैसे तो सब लोग आपने प्री दिया हुआ है, सब लोग समझते हैं थेफ्ट को। देखो इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, तो उन एक्सप्लेनेशंस में आप देखोगे कि मान लो कोई चीज किसी इमूवेबल चीज से बंधी हुई है, तो इमूवेबल चीज से उसको डिसअटैच करना ही चोरी हो गया। जैसे किसी को पता चल जाए, एक आदमी यहाँ कैमरा खोल रहा है, कैमरा खोल के बोल्ट ही हटाए हैं, और जैसे ही पता चल गया कोई आ गया, नहीं उठा के ले जा सके, तो ये क्या थेफ्ट कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, थेफ्ट कंप्लीट हुआ। एक पहले क्वेश्चन आया हुआ है, वो पजेशन के संबंध में है, तो
तो सामान्य तौर पर कोई चीज किसके पजेशन में होती है? देखो ये आप लोगों ने पढ़ा है कि पत्नी, लिपिक और सेवक के कब्जे में कोई चीज होती ही नहीं है, मालिक की ही होती है। मतलब पत्नी पर दी हुई चीज वो पत्नी के कब्जे में नहीं है, मालिक के ही कब्जे में है। पत्नी को पता है, अपने दोस्त को वो कहती है कि अच्छा कि तुम यार ये मोबाइल किसका है, कि हस्बैंड का, बहुत सारे मोबाइल रख रखे हैं, तो यार मेरे को दे दे। अरे मैं, तू ले जा, उनके सामने तो नहीं दे सकती। अब ले गया, पत्नी को तो पता है, हस्बैंड आता है यार मोबाइल नहीं मिल रहा, कहाँ हो गया, तो पता नहीं कहाँ है। बोले चल चोरी की एफआईआर दर्ज करा देता हूँ। अब वो मान लो एप्पल का मोबाइल है, पकड़ में आ जाता है, वो कहता पत्नी ने दिया, मैं कहाँ लाया, अपने आप थोड़ी लाया, उसने दिया। भाई उसका देना भी तो, क्योंकि वो दे रही है ना, उसके पजेशन में ही नहीं है, उससे देना भी थेप्टी है। उसमें एक इलस्ट्रेशन दे रखा है ना, कोर्ट वाला इलस्ट्रेशन दे रखा है। तो कोर्ट वाले इलस्ट्रेशन में क्या है कि एक पत्नी होती है अपने दोस्त को, क्योंकि पति के पास 50 कोट थे, उन्होंने कहा बहुत सारे कोट हैं, ले जाए एक तू। अब एक दिन उसने देखा उस आदमी को, बोले ये तो मेरे वाइफ का ही फ्रेंड है यार, कोट तो मेरा ही पहनना है ये। उन्होंने वैसे ये कोट कहां से लाए, बोले आपकी वाइफ ने दिया। बोले इसकी तो मैंने एफआईआर दर्ज करा रखी है, चोरी की है आपने। बोले कोई चोरी नहीं की, उसने दिया तब मैं लाया, लेकिन ये चोरी है। क्या है ये चोरी है? चोरी में चीज को ले जाना जरूरी है या नहीं है, ये दूसरी बात है, हटाना ही है। मान लो वहां से लेकर उसी के घर में टांग गया, बोले कल ले जाऊंगा इसको, तो चोरी तो पूरी हुई। ऐसे ही कोई क्लर्क है, आपने भेजा कि जाओ गंगानगर चले जाओ और गंगानगर में ये मेरी किताबें हैं वहां बेच आना। उसके मन में आई कि वो गंगानगर से और आगे पंजाब का रहने वाला था, मन में आई चलो ठीक है इनको अपन बेच देंगे किताब, अब वापस ही नहीं चल रहे, तो चोरी वहीं कंप्लीट हो गई। फिर यहां पे एक और है, ये सेक्शन 27 से ध्यान आ रहा होगा, आईपीसी का सेक्शन 27, इसी के साथ टच करना है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान आ रहा होगा कि एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो लिपिक है, चाहे वो आपका क्लर्क है, चाहे वो आपका सर्वेंट है, वो क्षणिक हो सकता है। एक प्रॉब्लम पूछी गई थी पहले, एक लड़का होता है और वो दिल्ली रेलवे स्टेशन से जयपुर के लिए आ रहा है, और वो देखता है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ लगी हुई है, और वो देखता है कि लड़कियों वाली लाइन छोटी है। वहां जाके एक लड़की से कहता है कि बहन जी एक टिकट लेके दे दोगी? बहन जी कहती है तुम्हारी नौकर लग रही हूं क्या, दे दूंगी? कि नहीं मैं 50 रुपये दे दूंगा आपको, ला पैसे ला। तो 50 रुपये के लालच में, 50 रुपये के लिए वो टिकट खरीदती है उसके लिए। जब 50 रुपये के लिए टिकट खरीदती है ना, तो वो तो अपना साइड में जाके मोबाइल देखता है, रील देखने लग जाता है और रील्स में मग्न हो जाती है। और उसने 2,000 रुपये का नोट जो पहले चलता था वो दिया था 2,000 रुपये का, लड़की 2,000 रुपये का नोट लेकर चलती बनती है और उसका कोई टिकट नहीं लेती। तो उस लड़की ने क्या अपराध किया? उस लड़की ने चोरी की है। क्या किया है? सी कमिटेड थेफ्ट। क्वेश्चन इज दिस के थेफ्ट कैसे किया? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब आपने पैसे दिए ना, ये तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, वो लेके चली गई। नहीं, यू अपॉइंटेड हर टू टेक द टिकट, यू प्रॉमिस्ड हिम,
यू प्रॉमिस्ड हिम, यू प्रॉमिस्ड हर कि साहब आपको हम 50 रुपये देंगे, आपने कहा उसको 50 रुपये देंगे, अब 50 रुपये के लिए वो लेगी, आपका 2000 रुपये भी लेगी, लेकिन उस समय वो क्षणिक टाइम के लिए क्या बन गई, आपने उसे एम्प्लॉय बना दिया। लेकिन यदि 50 रुपये ना देते तो जब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जाएंगे तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की डेफिनेशन अलग है कि आपने क्यों दिए हैं 50 रुपये उसको, तो उसके रीजन है, किसी रीजन के लिए दिए होंगे ना। तो ये आया हुआ एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो क्या लगाओगे, थेफ्ट। सेक्शन 27 देखो एक बार, आईपीसी का 27, आईपीसी के 27 को देखोगे, 27 देखो एक बार, 27 पढ़ो, 27 का प्रोविजन देखो, आगे समझ में, तो थेफ्ट हो गई। तो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है। दूसरी, इसमें एक इलस्ट्रेशन दे रखा है 378 में ही, कि एक आदमी दूसरे के कुत्ते को चुराना चाह रहा है। अब आदमी बिस्किट डालता जाता डालता जाता डालता जाता है, और बिस्किट खत्म हो गए, और जब वो कार में उसे बिठाने ही वाला होता है तो वो लास्ट बिस्किट उस कुत्ते ने खाया और वो कार में बैठे नहीं, फिर अपने मालिक के पास चला गया। तो बेशक मालिक के पास चला गया, आप उसे दूर से यहां तक अपनी कार तक लाए और फिर वो वहीं चला गया, चोरी तो पूरी हुई। चोरी में सामान ले जाना जरूरी नहीं है। अब बात आती है कि चोरी में मैक्सिमम सजा कितनी है। चोरी में मैक्सिमम सजा 10 वर्ष की है। कितनी, देखो 379, 380, 381, 382, तो 382 में कितनी सजा है। तो ये थेफ्ट के ही मोड हैं। थेफ्ट के क्या हैं, मोड हैं। जैसे जैसे एक्शन वैसे वैसे सेक्शन। तो पहले 379 में जो सिंपल चोरी है उसके लिए 3 साल की सजा है, तो 379 में सिंपल चोरी है। अब 380 381, भाई घर की चोरी अलग कर दी, लिपिक सेवक की चोरी अलग कर दी, लेकिन जैसे आप 382 पे जाएंगे तो 382 में क्या कर दिया, 382 में कर दिया कि जो भी व्यक्ति अपने बचाव के साधन लेकर जाए तो 382 में आएगा। जैसे एक प्रॉब्लम के कुछ जेब कतरे बस में छड़े और उनमें से एक जेब काटने वाले ने जेब काट दी और जेब काट के वो पैसे ले जाने वाला था, तभी जिसकी जेब कटी उसे कुछ एहसास हुआ तो उसने हाथ पकड़ने की कोशिश की तो पैसे लेकर तो भाग गया, जल्दी ही बस को रुकवाया, लेकिन उसके और जो गुर्गे थे, जो साथी थे, उन्होंने अपनी ही जेब में से कुछ पैसे डाल दिए, नीचे डाल दिए, उनका भाई साहब आपके पैसे गिर गए, और कहां है, और बजाय उसके पीछे दौड़ने के वो उसको इन्वॉल्व कर दिया। तो उन अपराधियों ने जिन्होंने ऐसे पैसे डालकर उसके ध्यान को भटकाया, उन्होंने क्या अपराध किया, वे सब उसी अपराध के दोषी हैं। कौन से,
तो अर्थात 384/34 में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? 382/34 में आ गए वो लोग भी। क्यों? 382 में है ही बच निकलने के लिए, तो जानबूझ के सिर्फ पिस्टल ले जाना ही नहीं, लोगों को ले जाना भी है। इसमें बेस्ड प्रॉब्लम कोई मेन एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, तो उसको 382 पढ़ो एक बार। मान लो यही ऑफेंस है, इसी ऑफेंस को, चोरी के ही ऑफेंस को एक चोर सजा होने के बाद, सजा काट के आ जाने के बाद पुनः चोरी करता है, तो ये क्या अपराध होगा और इसका ट्रायल कौन करेगा, कौन बताएगा आप में से? तो ये एनहेंस पनिशमेंट किस चीज का है भाई? वही अपराध की पुनरावृत्ति करता है। क्या करता है? रिपीटिंग द सेम ऑफेंस। समझ में आ गया? तो कितनी सजा हो जाएगी? सजा कितनी हो जाएगी? 10 साल या आजीवन कारावास में चले गए। और पता है क्या, फिर मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा क्या? 379, 380 और उनमें सब में मजिस्ट्रेट ट्रायल है, क्या फिर मजिस्ट्रेट ट्रायल होगी क्या इसकी? है फिर क्यों, कौन करेगा ट्रायल इसकी? कौन सा सेक्शन है ये? सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन है भाई? ऑनलाइन वाले तुम लोग भी बोल दिया अगर, बस सिर्फ सुनते ही रहते हो, हैंड रेज करके तुम लोग भी बोल सकते हो। कोई सेक्शन है क्या इस तरह के जो रिपीटेड ऑफेंस को करने के मामले में ट्रायल के संबंध में सीआरपीसी में कोई सेक्शन है क्या भाई? ट्रायल ही अलग होगी फिर इसकी, कौन करेगा? क्या वो मजिस्ट्रेट ही करेगा क्या, या सेशन जज करेगा? देखो ये तो भूल जाना कि जहां जहां प्रोविजन LI या 10 ईयर्स दे रखा है तो हमेशा सेशन जज करेगा ना। 377 IPC में अननेचुरल लस्ट के मामले में LI का प्रोविजन है, मजिस्ट्रेट ट्रायल है। देखो आप अभी शेड्यूल फर्स्ट में 377 लगवाया नहीं, और वैसे तो प्री का है, अभी तो आप लोग मेन की तैयारी कर रहे हैं, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है LI है इसमें, और LI वाले मामले में भी ट्रायल कौन कर रहा है? अभी देखो यहाँ ये बताने का कारण नहीं है कि इसमें LI है और इसमें क्यों LI है, और फिर मजिस्ट्रेट या तो फिर 3 साल ही दे देते या 6 साल दे देते। देखो जो स्टाम्प वाले मामले हैं या इस तरह की रिपीटेड चोरी वाले मामले हैं, इन सब के लिए एक सेक्शन देखो 324 देखना है ना, है ना, इनके लिए दिया हुआ है। तो इसमें क्या किया, अलग 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 डिवाइड किया हुआ, पनिश किया जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वो कनेक्ट करके पूछ रहा है, वो सारा कनेक्ट करेगा, सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस तीनों को मिक्स कर देगा। एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज, अप्लाइड नॉलेज वो जानना चाहते हैं, मतलब चीजों को कैसे कैसे उपयोग में लाते हैं, डायरेक्ट की बजाय इस तरह आएगा। तो इन पे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये समझ में आएगा। चोरी खत्म। औरत आपके दिमाग में कुछ भी पूछना चाहते हैं चोरी थेफ्ट में? इज इट क्लियर? फिर आता है, हम चले जाते हैं। अब देखो, आप देखोगे गौर से कि थेफ्ट को ही अलग 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 रूप में चला गया ये। जैसे नेक्स्ट चला गया, हम चले जाते हैं एक्सटॉर्शन पर। अब यहाँ चोरी में तो क्या हो रहा था, थोड़ा डिफरेंस भी देखिएगा, चोरी में तो क्या हो रहा था कि चोर चुरा के ले जा रहा है, तो उसका जो ओनर है, जो मालिक है, जो स्वामी है, उसे पता नहीं है, उसकी कंसेंट के बिना कर रहा है,
अब मान लो ये कंसेंट के बिना ना करे, छीना झपटी करे, तो छीनते ही ये रॉबरी हो जाएगी, छीनते ही रॉबरी हो जाएगी। एक आदमी देखता है, अब जैसे जेब काटने वाला है, जेब काटी चोरी और उसने पकड़ लिया और फिर जबरदस्ती जेब काट ही रहा है, पैसे छिना रहा है, तो ये क्या हो गया? अब ये क्या नहीं रहा? अब थेफ्ट नहीं रहा, अब ये हो गया रॉबरी, अब ये लूट हो गई। लूट के लिए कोई बहुत संख्या में लोगों की जरूरत नहीं होती, एक आदमी लूट कर सकता है, एक आदमी चोरी कर सकता है, तो वो लूट हो गई। और इसी संघर्ष को लूटने वालों की संख्या ज्यादा हो जाए, 5 या अधिक हो जाए, तो ये डकैती हो गई। देखो, डकैती की कोई अलग परिभाषा थोड़ी है, डकैती की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि 5 या 5 से अधिक लोग संयुक्त तो होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं, तो वो डकैती है। अब यहां पर साथ साथ में ही एक्सटॉर्शन और आ जाता है। एक्सटॉर्शन में क्या है कि चोरी नहीं कर रहा, उसको कह रहा है, क्या कर रहा है, उसको हर्ट के फियर में डाल रहा है, क्षति के भय में डाल रहा, तो भय की वजह से वो चीज को कह रहा है, कर लियो भाई साहब आप ही ले लो, दे रहा है खुद। अब वो कहता है हाथ पैर तोड़ दूंगा, जितने घड़ी है मोबाइल है पर्स है निकालो। तो क्या कर रहा है वो? अब देखो यहां थोड़ा बारीक अंतर है, निकालो तो भय में तो यहां भी डाला, लेकिन कह रहा है तत्काल निकालो, तो ये रॉबरी हो गई। कहां चले गए हम? रॉबरी में। और कल ये कहे कि देखो तुम्हारा, मैं एक अखबार में तुम्हारे एक विज्ञापन निकालने वाला हूं जिसमें आपकी रेपुटेशन डाउन होगी, ये एक्सटॉर्शन हो गया। ये क्या हो गया? एक्सटॉर्शन। एक बार ऐसी प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है, एक विज्ञापन वाला, एक चैनल वाला जो मार्केटिंग का आदमी था, एक कॉलेज का वीडियो बना के ले गया। उस कॉलेज में एक लड़का जो कह रहा है कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है, ये वो, तो वीडियो बना के ले गया और कॉलेज के ओनर के पास पहुंचा कि भाई साहब वो मैं एड लेने आया था। बोले यार अभी तो बहुत कड़की चल रही है, ऐड वैड देने की स्थिति नहीं है। बोले ना ना, ऐड तो देना पड़ेगा, जितना है पिछले साल वाला दे। बोले यार कैसी बात कर रहे हो, अभी तो पैसे ही नहीं है। बोले पैसे वैसे तो नहीं है, देखो एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, तो देखो ये बच्चे कुछ अलग कह रहे हैं आपके, ये क्लिप आई है हमारे पास, हमने रोक ली है कि इस क्लिपिंग को हम नहीं चलाएंगे क्योंकि आप हमें ऐड देते हैं, और आप नहीं दे हुए तो ये क्लिप तो चलेगी। ये क्या है? ये एक्सटॉर्शन है। ये क्या है? एक्सटॉर्शन या उद्यापन। कभी कभी नाम सुना, एक शब्द सुना है क्या? वैसे आईबीसी में नहीं है सब, ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग, ब्लैकमेलिंग कुछ और नहीं, 383 है। क्या है? 383 आईबीसी में जो प्रोविजन दे रखा है वो है, एक्सटॉर्शन है। अब एक शब्द है, एक शब्द सुना है ना, क्षति का भय, तो इंजरी का किस चीज का भय है? क्षति
इंजरी का, तो ये इंजरी का भय या क्षति, तो इसकी डेफिनेशन में क्या है? इसकी डेफिनेशन पता है क्या है? चार शब्द हैं। सेक्शन 44 याद आ रहा है क्या आपको? माइंड, बॉडी, पहले बॉडी आएगी, खैर बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इनको अपहानिकारित करना, शरीर मन, मन है? प्रतिष्ठा या क्या बोलेंगे इसके, ख्याति। हाँ, एग्जैक्ट शब्द ख्याति। जैसे एक आदमी कहता है कि देख मैं तेरी गर्लफ्रेंड को बता दूंगा कि ये जो लड़का है ना, दिखावा कर रहा है पैसे वाला होने का, इस पर कुछ नहीं है, अपने दोस्तों की कार ले आता है, ये सब दिखावा कर रहा है, ये सब बात बता दूंगा, मेरे को 50,000 रुपये दे। अब वो 50,000 रुपये मांगता है उससे, नहीं तो मैं बताने वाला हूं। उसने 50,000 रुपये नहीं दिए, लेकिन वो दुखी हो गया, यार बता देगा, बोले यार इंतजाम करता हूं, 50 तो ज्यादा है, 5,000 दे दूंगा। ये कौन सा अपराध है? क्या अपराध है? मन खराब कर रहा है ना उसका, मन खराब कर रहा है ना, ये भी ब्लैकमेलिंग ही है, ये भी एक्सटॉर्शन है। ये सेक्शन 44 बनाए एक्सटॉर्शन के लिए है। किसके लिए बनाया है? एक्सटॉर्शन के लिए बनाया है। एक एसपी था, उसने क्या किया कि एक लड़के ने लंबे लंबे बाल रख रखे थे, तो उन्होंने छोटे छोटे बाल नहीं रखता, तो कैंची से थोड़ा यहां से काट दिया, थोड़ा चल बनवा लेना, आप सही सेट करा लेना नाई से। क्या अपराध किया? पता है, पहली बात तो ये देखो, क्या उसका मन खराब हुआ? मन खराब हुआ ना, तो मन खराब होने में क्या उसे इंजरी हुई? इंजर्ड हो गया, वो इंजर्ड हो गया। तो जिन जिन प्रोविजंस में क्षति शब्द का प्रयोग हो रखा है, वहां सब में ये प्रोविजन लागू हो जाएंगे। क्षति करना, इंजरी करना, या इंजरी के भय में डालना, तो 383 में तो सिर्फ इंजरी के भय में डालना है प्रोविजन, इंजरी करना नहीं है, इंजरी के भय में डालना।
और यदि इंजरी का भय तत्काल हो जाए तो बोले देख उस तरह रखा है, अभी तेरे बालों को बीच में से साफ करने वाला हूं, नहीं तो अपना मोबाइल मेरे हवाले कर दे। तो भय में अभी करेगा ना, उस तरह दिखाई दे रहा है उसके, तो अभी मांग रहा है ना पैसे, अभी मांग रहा है, ध्यान रखिए वो लूट हो गई। क्या हो गई वो? अब देखो ना तो उस तरह चलाया उसने, नहीं चलाया उस तरह, ना कुछ किया, उस तरह हाथ में ही है, लेकिन लेकिन उस तरह हाथ में है, लेकिन उसने निकाल के दे दिया, भाई साहब ले जाओ, बाल बाल मत काटो, अभी तो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं। तो कौन सा है ये? भी लूट है। क्या है ये? लूट। तो देखो आपसे जो प्रश्न आएगा, एक्सटॉर्शन में, रॉबरी में, थेफ्ट में, इनमें आपसी अंतर पूछता है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन में, जैसे ए लड़के यहां होके निकल के जाएगा ना, यहां होके मत जाएगा, उधर दूसरे रास्ते से आएगा, तेरे हाथ पर तोड़ देंगे, पैसे वैसे कुछ नहीं मांग रहा, पैसे वैसे कुछ भी नहीं मांग रहा, क्या कर रहा है? धमकी दे रहा है। किस बात की दे रहा है? इंजरी की धमकी दे रहा है, बॉडीली इंजरी। किसकी दे रहा है? बॉडीली इंजरी। तो बॉडीली इंजरी में चला गया, एक शब्द है ना, धमकी शब्द नहीं दिया वो क्रिमिनल, उसे बोलते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ठीक है ना? कौन सा सेक्शन में? 500 अंदाज मार रहा है, 503 या 6 है, छह में अलग चीज है और तीन में अलग चीज है। छह में है पक्का? अब तो तीन बोल रहा है, ये कैसे चलेगा काम? याद करा करो पक्का। तो ये अब देखो उसमें उसके साथ भी अंतर पूछता है, कहते ना साहब मेरे को हत्या का, हत्या की धमकी दी, एक शब्द है ना धमकी, धमकी, तो वो 503 है। धमकी क्या है? 503 है। 503 का मतलब वहां भी इंजर्ड कर रहा है लेकिन धमकी दे रहा है, बदले में नहीं मांग रहा कुछ भी। अंतर क्या है? बदले में नहीं मांग रहा कुछ भी। तो तुम एक्सटॉर्शन में क्या है? बदले में धन के लिए कह रहा है, धन दे दो, या कोई ऐसी प्रतिभूति, ऐसी श्योरिटी विच कैन बी कन्वर्ट इन वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो मतलब खाली कागज पर साइन कर दो, जैसे एक आदमी कहता है देखो तुम विटनेस बने हुए हो मेरे केस में, तुम एफिडेविट दे दो साहब, मैंने कुछ नहीं देखा। बोला नहीं दूंगा। बोला नहीं दोगे? तो क्षति के भय में डाल देता है। तो नहीं दोगे तो देखो देख रही है पिस्टल आपको, तो क्या कर रहा है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी सिक्योरिटी है जिसमें वो असाइन कराना चाह रहा है।
बोले मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा, गोली मार दूंगा, तो भय में डाला गया। वो भी क्या है, एक्सटॉर्शन है। समझ में आया क्या आपके, ये एक्सटॉर्शन। अब देखो 383 पढ़ डालो, साथ के साथ फास्ट पढ़ लिया करो एक बार सेक्शन के, क्योंकि मैं तो बोलता चला जाऊंगा फिर आपको तो दिक्कत आएगी। समझ में आ गया। अब देखो जो रॉबरी है ना, दो तरह से हो सकती है रॉबरी, दो तरह से हो सकती है। एक रॉबरी होती है थेफ्ट से और एक होती है एक्सटॉर्शन से। एक एग्जाम्पल समझो, फिर उससे एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक चोर है, कौन है, चोर। तो चोर है, चोर घर में चोरी करने जाता है, तो उसके हाथ में पिस्टल है और अंधेरे में वो चीजों को देखते देखते सारे सामान को उठा रहा है, पिस्टल उसके हाथ में है। उसने देखा कि वहीं एक आदमी सो रहा है, आदमी को ये तो पता लग गया कि चोर है, लेकिन उसने देखा दूर से कि यार इसकी पिस्टल हाथ में है, तो वो कुछ नहीं किया, उसने तो आंखें और बंद कर ली, कुछ नहीं है। जैसे कि वो और खर्राटे और तेज तेज लेने लग गया, जानते हुए कि बहुत गहरी नींद में सो रहा है। तो सोने वाला जो व्यक्ति है, भय पैदा हुआ कि नहीं हुआ, और उसने सब सामान ले लिया। अब वो सो रहा है, बेशक सो नहीं रहा, सोने का दिखावा कर रहा है। तो यहां रॉबरी कंप्लीट हुई। लेकिन ये रॉबरी किस चीज से हो रही है, चोरी से हो रही है। किस चीज से हो रही है, चोरी से। उसने देखा कि वो तो चेन पहने हुए है, सोने वाला अंगूठी पहने हुए है, उसने उसकी चारपाई में लात मारी, ए जग निकालिए क्या है। तो जो कुछ भी उसने फटाफट अंगूठी भी उतार के दे दी, चेन भी दे दी, घड़ी भी उतार के दे दी। ये एक्सटॉर्शन से रॉबरी है। समझ में आए। तो जिसे भय उस समय ऐसा इंस्टेंट फियर क्रिएट किया, और इंस्टेंट फियर में वही आदमी जब दे रहा है तो रॉबरी भाई एक्सटॉर्शन हो गया, और जहां छीन रहा है रॉबरी भाई थेफ्ट हो गया। अब ये बात आती है रॉबरी कब तक, यदि जब वो चोरी कर रहा है या एक्सटॉर्शन कर रहा है उस समय भय, इंस्टेंट भय डाल रहा है। तीन चीजों का इंस्टेंट भय हो सकता है, मृत्यु का हो सकता है, गोली मार देगा। इसके अलावा ग्रीवियस हर्ट का भी हो सकता है, पता नहीं गोली मार दे तो कहां लगेगी, क्या होगा। और ये सब वो ले जाते वक्त, हेलो हेलो, हेलो, उसको ले जाते वक्त भी विरोध करें। जैसे मान लो वो लेके चल दिया, सामान को लेके चल रहा है, बाद में पकड़ो पकड़ो मेरा सामान चोर लेके जा रहा है, और वो हवाई फायर कर देता है दो। तो एक तरह से उसने क्या किया, रेस्ट्रेन कर दिया।
रोक दिया तो भी क्या हो गया, ये लूट हो गई। अब आप पकड़ने नहीं जा सकते, आपको रोक दिया वहीं भय से, ठीक है। तो ये सेक्शन 390 है, 390 को पढ़ो एक बार। यदि आपको कोई शब्द समझ में ना आया हो, क्योंकि क्वेश्चन चोरी कब लूट है, एक्सटॉर्शन कब लूट है, ये हमेशा ही आता रहा है, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? इन डेफिनेशंस को, जो डेफिनेशंस है ना, उन्हें कई कई बार पढ़ो और उन्हें पक्का याद करने की कोशिश करो। ऐसे थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी हो जाएगा, जल्दी खत्म करना है अभी। अब देखो एक चीज और है, कभी कभी बारह बज गए क्या? अभी तो टाइम है, और फास्ट कर देता हूँ। इंग्लिश की क्लास करा दे। तो यहां तक का तो समझ में आ गया। तो अभी मैंने आपको 503 भी बता दिया, 390 भी बता दिया, 383 भी बता दिया, अब देखो डकैती भी बता दिया। थ्री एट्टी टू में तो क्या है, जा रहा है, इंटेंशन है उसका चोरी का, ठीक है, चोरी करने ही जा रहा है, लेकिन सेफ्टी के लिए कुछ चीज ले जा रहा है, बचाव सेफ्टी, सेफ्टी से आगे बढ़ गया, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अच्छा है आपका प्रश्न, मान लो एक आदमी चोरी करने गया और अपने साथ पिस्टल ले गया, इरादा क्या है, चोरी का है ना, चोरी कर ली, अभी तक तो चोरी ही है, 382 ही है, और डोली से कूदा, क्लास में क्यों ले आया, मैं क्लास में पीता तो है नहीं, चलो आप लोगों को कोई दिक्कत थोड़ी है,
या आप लोगों की भी इच्छा कर रही है? वैसे तो मैं तो पीता नहीं ऐसे। अरे यार ले जा ले, ये नीचे पहुंच के भी नहीं लाता, कैसे लाया है? निशान तो पढ़ते हैं ना, क्लास से पहले बनाया कर चाय थोड़ी पीजिए। तो वहां उसे पता लगी, जैसे वो दीवार फांद के जा रहा था तो कूदते ही उसका सामान वगैरह गिर गया जिसे लेके जा रहा था चोरी का। तो आवाज हुई, आवाज होने से गृहस्वामी को, ओनर को पता लग गई। पता लग गई तो उसने देखा खोल के दरवाजा, और चोर भागा, और चोर के पीछे वो भी भागा। जब भागा तो उसे लगा चोर को अभी अब कहीं पकड़ ना ले, तो पिस्टल निकाली, गोली चला दी। नाउ थेफ्ट हैज बीन कन्वर्टेड इन रॉबरी। दरअसल थेफ्ट के ही तो रूप है ये। नहीं क्यों लग जाएंगे, 390 में चला जाएगा तो फिर वो सारी चीजें वहां चली जाएंगी ना। घातक आयुधों से सज्जित होकर लूट में चला जाएगा। 390 पढ़ो आप, रेस्टेन करना, रेस्टेन करना। 390 की डेफिनेशन बड़ी अच्छी है, हर चीज को इन्वॉल्व कर दिया तो वो लूट में ही चला गया, फिर 382 लगाने की जरूरत ही नहीं, वो तो लूट ही हो गई वो। देखो ये सब चीजें बारीक बारीक चीजें आपको ध्यान रखनी है चार्ल्स के टाइम पर, चार्ल्स फ्लेमिंग पे। कहीं ऐसा तो नहीं ऑफेंस इसमें कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो चीजें है ना, ये जैसे मैंने अभी आपको शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल पर निशान लगवाए, ये आप अच्छे से कर लोगे ना तो आपको सुविधा रहेगी। तत्काल आपको पता लगा, अच्छा ये तो ये यहां भी आ रहा है, इसमें चला गया। और बस इसका एक ही तरीका है, सुबह दोपहर शाम एक एक खुराक लेते रहो इसकी, मतलब